ललितपुर में श्याम बिहारी गुप्ता अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग लखनऊ ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तहत दयोदय गौशाला का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर गौशालाओं की व्यवस्थाओं और गौवंश प्रबंध की समीक्षा की। अध्यक्ष ने दयोदय गौशाला पहुंचकर विधि विधान के साथ गौ पूजन किया और गौ माता को गुड़ खिलाया। मौके पर उपस्थित गौशाला प्रभारी से जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि गौशाला में 890 गौवंश रक्षित संरक्षित हैं। गौशाला में पर्याप्त मात्रा में भूसा, चोकर, पानी आदि उपलब्ध है। समय समय पर पशुओं की चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। अध्यक्ष ने गौशाला का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। माननीय मंत्री जी, आपने जो गौशालाओं की व्यवस्था देखी है इस समय, तो आपने वही गौशाला क्यों चुनी जो सबसे ज्यादा बेहतर थी? देखिए, आज हम जिस उद्देश्य आए थे वो ये है कि गौशाला हो या गौ आश्रय सरकारी जितने हैं, वहाँ पर हम लोग 6 दिसंबर को कैंप लगाने वाले हैं, जहाँ पर गौवंश किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत NRLF की ललितपुर जनपद में 70,000 महिलाएं हैं, और जो सरकारी जो गौवंश के द्वारा संरक्षण हो रहा है गौ आश्रय स्थलों के द्वारा, उनमें गौवंश की संख्या लगभग 32,991 है। तो ये गौवंश जो है, इसमें से हम 80% गौवंश, 90% गौवंश हम महिलाओं को देंगे और एक गाय पर 1500 रुपये देंगे, और उन सारे गौ आश्रय स्थलों को हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।